हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम दूसरा टॉपिक लेके आए हैं। आज का लेसन स्टार्ट करने पहले आज हम स्वर्गीय बिरसा मुंडा जी को श्रद्धांजलि देते हुए उनके बारे में थोड़ा सा आप लोग को बताना चाहते हैं। उनके सम्मान स्वरूप बिरसा मुंडा जी के बारे में आप लोग सभी जानते हैं। वो एक क्रांतिकारी थे जिनका जन्म 15 नवंबर 1875 में झारखंड के एक छोटा नागपुर पठार एरिया में हुआ था। वो एक आदिवासी परिवार से बिलोंग करते थे और वो एक क्रांतिकारी थे। और ये छोटा नागपुर पठार है, एक्चुअली ये झारखंड का ज़्यादातर एरिया झारखंड का है, साथ में उसमें पश्चिम बंगाल और आपका बिहार और छत्तीसगढ़ का इलाका भी उसमें टच करता है। और 1900 में इनका डेथ रांची के एक कारागार में हुआ था। ये अपना स्वभाव से ही क्रांतिकारी स्वभाव के थे, अपने समाज के लोगों के उत्थान के लिए कृषि को और कितना बढ़ावा दिया जाए और उसका विकास किया जाए, इसके लिए निरंतर कार्य किए अपने समूह के लिए। और इस तरीके से उन्होंने अपना क्रांतिकारी स्वभाव स्वरूप इस कृषि को उन्नत करने के लिए उत्तरोत्तर उसके लिए उन्होंने लड़ाई किया और करते हुए और अपने प्राणों की आहुति ही बोलेंगे दे दिए सुनामी समय। तो चलिए हम सब आज उनको स्मरण करते हुए उनको सम्मान करते हैं बिरसा मुंडा जी को, और शरण करते हुए आज का लेसन स्टार्ट करते हैं। ओके, तो आज हमारा विषय है LPG, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। LPG से ही आप लोग सब लोग वाकिफ हैं, ये कुकिंग गैस है। हम लोग सबके घर में हमारे हम लोग को जिसमें इसका सहायता लेते हैं खाना बनाने के लिए, एक ज्वलनशील गैस है। परंतु उसमें एक बात हमको ध्यान में रखना, ज्वलनशील होने के बाद भी ये कौन कौन सा कॉम्पोजिशन से बना है, इसमें क्या क्या मिला है, पहले हम लोग देखेंगे। LPG आप लोग को सबको पता है लाल रंग के सिलेंडर में आता है, कुकिंग गैस डिलीवरी बॉय हमारे यहाँ पहुँचाते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, उसकी जांच पड़ताल करते हैं। फर्स्ट क्या देखते हैं, उसका वेट प्रॉपर है कि नहीं, देखने के लिए हमको जानकारी होना है कि उसका एक्चुअल वेट कितना होता है। ठीक है, तो ये सिलेंडर के ऊपर लिखा हुआ होता है 13 point something, बट वैसे तो 15 होना चाहिए, स्टैंडर्ड जो उसका नाप है 15 है। पर उतना हम लोग को हमेशा एक्यूरेट मिलता नहीं है, तो ये एम्प्टी जो सिलेंडर है ये उसमें लिखा हुआ है, जैसे इसमें लिखा है 12 kg, हम दिखाएंगे इसका पिक्चर लाल रंग के सिलेंडर, और गैस के साथ जब भरते हैं तो वो 30 kg है। ठीक है, वो वेट कर रहा है। और दूसरा है उसका जो सील है, वो सील चेक कर लेना होता है कि उसमें वो लीक वगैरह है कि नहीं। लीक होने के लिए उसमें एक स्मेल आता है, स्मेल किस चीज का आता है वो हमको देखना है। सबसे पहले हम इसका कॉम्पोजिशन देखेंगे कि LPG में कौन कौन सा गैस मिला होता है। मेनली LPG में होता है प्रोपेन और ब्यूटेन। प्रोपेन एक अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है, जो जिसका फॉर्मूला C3H6, इसका ये कार्बनिक स्ट्रक्चर है, चेन स्ट्रक्चर C3H6, तीन कार्बन एटम है तो चेन के साथ जुड़ा हुआ है और एच हाइड्रोजन। और ब्यूटेन मिला हुआ है, प्रोपेन एंड ब्यूटेन, इसमें दो गैस कौन कौन सा मिला हुआ है, प्रोपेन एंड ब्यूटेन। तो प्रोपेन और ब्यूटेन इसमें 95% मिला है और अदर गैस इसमें मिला है 5%, जिसमें प्रोपिलीन मेथिलीन ये सारे गैसेस है। ठीक है, ब्यूटेन का फॉर्मूला है C4H10, ये एक हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, और ये दोनों गैस जो है ये ओडरलेस है, मतलब इसमें कोई गंध नहीं है, स्मेल नहीं है। तो आपको कैसे समझ में आएगा गैस लीक हो रहा कि नहीं, क्योंकि इसमें तो कोई स्मेल आता नहीं है। ठीक, इसके लिए इसमें क्या मिलाया गया, सल्फर गैस है मिथाइल माइक्रोप्टन CH4H CH4S। ठीक है, मिथाइल माइक्रोप्टन जिसको हम CH3HS भी लिख सकते, CH3HS हो गया HRH, H3H4, C कार्बन और H सल्फर, एक सल्फर गैस है जो
कलरलेस है परंतु उसमें से बहुत दुर्गंध निकलता है। आपने देखा ना गैस लीक करने से कैसे स्मेल आता है, तभी हम लोग समझ आते दौड़ के जाते किचन में कि कैसे लीक हो रहा है। यदि टंकी से लीक हो रहा है तो तुरंत हम क्या करते हैं कि खिड़की उड़की खोल देते हैं और उसको बंद कर देते हैं गैस के नौबा वगैरह, है ना, प्रिकॉशन के लिए। तो ये हो गया एलपीजी का। एलपीजी का ये कुकिंग गैस है, ये वाला जो हम जिसके बारे में बताए ये है कुकिंग गैस, ठीक है। और दूसरा है एक ब्लू कलर का भी सिलेंडर आता है जिसका वेट रहता है 90 kg, 1919 kg, और उसमें भी सेम ही कॉम्पोजिशन है, बट उसका यूज है वो हमारे घरेलू खाना बनाने के लिए नहीं होता है, वो होटल रेस्टोरेंट बैंकेट वगैरह हॉल में जहाँ बहुत मास में खाना बनता है वहाँ पर वो यूज होता है। ब्लू कलर का सिलेंडर होता है गैस लेके, वैसे वो 19 kg का सिलेंडर है बट गैस को लेके 40 से 50 kg उसका वेट हो जाता है, सेम कॉम्पोजिशन है। तो ये गैस के बारे में हम लोग कुकिंग गैस के बारे में अभी जाने हैं, ठीक है। इसी तरह हम गैस लाइटर और बल्ब में कौन सा गैस होता है ये सारे कुछ के बारे में भी जानेंगे। तो इसके लिए हम इस टॉपिक को थोड़ा आगे इसलिए और नहीं करेंगे कि पता ही है लिक्विड पेट्रोलियम गैस है, इसका फुल फॉर्म है शॉर्ट फॉर्म एलपीजी है और फुल फॉर्म है लिक्विड पेट्रोलियम गैस। अब हम जाएंगे बल्ब में कौन कौन से गैसेस होते हैं। पहले बल्ब जो येलो वाला था उसमें कौन सा गैस होता है, अभी एलईडी आ रहा उसमें कौन सा गैस होता है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे।